अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दोमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आह्वान कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया। हवन यज्ञ में NRI दिवेश्वरम सिकंदर ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर यज्ञ में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर एवं गुरु माता नीरज रतन सिकंदर, जो कि परिवार सहित संगठन का प्रचार करने विदेश गए थे, वापस पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अगले वीरवार को दीपावली का भव्य हवन यज्ञ किया जाएगा एवं विशेष पूजा होगी। इस अवसर पर अश्वनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, मोहित गांधी, यशिक कालिया, कमल राजकुमार, सतपाल शंकर दास, महिला विंग की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, मीना जैन, राधा अरोड़ा, बलजीत कौर, नीलम बोहरा, अमरजीत कौर सहित सभी सदस्य और असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मां भगवती के पावन इस महायज्ञ को करने जा रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि हमारा जो मंदिर है भूमि भंग के तैयार हो गया है और ये यज्ञशाला भी जो बहुत जल्दी यज्ञ बन के तैयार हो जाएगी, तो ये सब कुछ जो भी है माँ बगलामुखी की असीम कृपा और भोले भंडारी की जो असीम कृपा है उसी के कारण संभव हुआ है। तो आप सब का सहयोग हमेशा ऐसा ही मिलता रहे। पिछले दिनों मैं विदेश में जाकर के उस समय अपना माँ भगवती का प्रचार और इस पावन धरा का प्रचार करने में व्यतीत किया, तो आज फिर माँ भगवती के शिव चरणों में उपस्थित होकर पूरे परिवार सहित आप सबका अति धन्यवादी मैं हूँ कि आपने पीछे से माँ की जो आलख हमने जगाई थी उस आलख को जैसे ही बरकरार था और आपने बहुत सारा सहयोग हमारे जो नए प्रधान अश्विनी यादव जी और आयुष यादव जी उनको आपने दिया और हमारे बीच कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हमसे बिछड़े जिनके लिए मैं दिल से अरदास करता हूँ कि उनको माँ भगवती अपने शरीर चरणों में निवास दें।